Your vision, your voice. नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उस शो में जिसमें होता है जोश, उमंग, मस्ती, ऊर्जा और हम उड़ान भरते हैं। जी हाँ, हम उड़ान भरते हैं युवा दोस्तों के साथ। स्वागत है आप सभी का एनेक्स्ट में। मैं सुजाता रथ और मेरे साथ है, नमस्कार, मैं अंचल खंडेलवाल, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड ईयर रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में है और मैं नेशनल लेवल भी खेली हुई हूँ एथलेटिक्स में। और आप? नमस्कार, मैं हूँ आर्यन सिंह, बीए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर का छात्र रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे शौक बैडमिंटन खेलना है और मैं डिबेटिंग, बुक रीडिंग और कविताएं पढ़ने में शौक रखता हूँ। मेरा नाम अन्विता है, मैं बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी थर्ड ईयर रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मुझे एक साइंटिस्ट बनने का शौक है, लेकिन उसके अलावा मैं गाने गाती हूँ, गाने सुनती हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटिक क्लासिकल में ट्रेंड हूँ और काफ़ी जगह भारत में गाकर भी आ चुकी हूँ। मेरा नाम तुषार शर्मा है और मैं रामलाल आनंद कॉलेज के द्वितीय वर्ष का हिंदी ऑनर्स का छात्र हूँ और मेरी शौक जो है वो कबड्डी खेलना, गाने सुनना और डांस करना। तो भाई, आज हमारे साथ रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। यहाँ पर कोई कवि है, कोई गायक है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो इन सब की जो प्रतिभाएं हैं उनको मुखर तो करेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में। आगे बढ़े और इससे पहले ये जाने कि आज का जो हमारा विषय क्या है उस पर चर्चा हो, उससे पहले थोड़ा सा गीत संगीत होना चाहिए, एक मधुर, एक सुरमय शुरुआत करते हैं। तो बताइए, आप में से कौन अपनी पसंद का गाना लिसनर्स को सुनवाना चाहेगा? बदलापुर मूवी का एक गाना है, माई तेरी चुनरिया लहराए, ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैं सुनाना चाहती हूँ। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। Oh,
परछाई तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराई FM Rainbow पर आप सुन रहे हैं Air Next, Your Vision, Your Voice. तो आज हम कविता भी सुनेंगे गाना भी सुनेंगे लेकिन जैसा कि दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है ना उस बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करें. आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और एक नए भारत के निर्माण की मुहिम को लेकर हम सब चल रहे हैं. सशक्त समर्थ आत्मनिर्भर भारत. कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ की महिलाएं वहाँ की जो नारी है वो सशक्त ना हो. मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं. सच है. तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है भारत में महिला सशक्तिकरण. इस विषय पर आपका विजन क्या है आपकी सोच क्या है? मैं कुछ चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगी नारी के ऊपर जिसके बोल हैं मैं नारी हूँ अपनी इज्जत की अधिकारी हूँ मैं एक माँ का प्यार हूँ माँ दुर्गा का अवतार हूँ हर बर्बादी का संहार हूँ माँ सरस्वती का भी प्यार हूँ मैं एक नारी हूँ अपनी इज्जत की अधिकारी हूँ. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वयं भगवान ने एक नारी को जन्मदाता का रूप दिया है और महिला सशक्तिकरण की बात आते ही हमें लगता है कि ये तो बस कुछ बरसों की ही बात है जब स्त्रियों के हक में आवाजें उठनी शुरू हुई है. वरना चांद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या तो केवल उंगलियों पर गिनी जाती थी. लेकिन धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे श्री शक्ति तो पुरातन काल से ही बहुत ही सशक्त थी. वह भी इतनी कि उनके सामने बड़े बड़े असुरों तक ने घुटने टेक दिए. क्या बात है आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा कि नारी जो है वो शक्ति रूपिणी है. हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहा ही गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं. तो आर्यन आप पर आते हैं. जी सुजाता जी, आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. लेकिन क्या आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस देश की नारियों को आज़ादी मिल पाई है? क्या वे सभी बंधनों से, शिक्षा की कमी से, रूढ़िवादी प्रथाओं से, कन्या भ्रूण हत्या और नियमों से मुक्त हो पाई हैं? इन सभी सवालों पर हमें गौर करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए. जन चेतना की कमी की वजह से नारियों का सशक्तिकरण आज संतोषजनक नहीं है. न जाने कितने ही कानून आए महिला सशक्तिकरण के लिए परंतु आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता विकसित नहीं हो पाई है और वे उन्हीं रूढ़िवादी रीतियां और प्रथाओं के साथ जी रहे हैं. और इसी संबंध में मैंने एक कविता लिखी है जो आप सभी के समक्ष पेश करता हूँ. जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला युद्धक विमान चलाने लगी बेटियां और कितने उदाहरण लाऊं हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां वीर की अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां. प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है नित्य प्रति कोक में क्यों मरती हैं बेटियां नित्य प्रति कोक में क्यों मरती हैं बेटियां. बहुत सुंदर आर्यन, बहुत सुंदर. और हमारे जितने युवा दोस्त हैं वो भी कहेंगे कि आर्यन की ये जो कविता थी बहुत ही भावपूर्ण थी और बहुत ही ज्वलंत कविता है. क्यों? यस बिल्कुल मैम.
इतनी उत्साहदायक कविता ने जोश भर दिया। बिल्कुल, और एक सोचने पर भी मजबूर कर दिया हम सभी को आर्यन ने अपनी इस कविता के माध्यम से कि अभी भी जन चेतना का अभाव है, अभी भी भ्रूण हत्या जैसी समस्या हमारे देश में है। बेटा और बेटी में जो फर्क होता है एक परिवार में, वो अभी तक गया नहीं है, तो जन चेतना की आवश्यकता है। क्या बात है आर्यन। अन्विता, अभी ऐसा इन्होंने बोला कि ऐतिहासिक समय में महिलाएं कैसे ट्रीट होती थी, और अभी आर्यन ने बताया कि आज़ादी मिलने के बाद भी महिलाएं अभी भी आज़ाद हैं कि नहीं। लेकिन जितना मेरे समझ तक पहुंचता है, सशक्तिकरण मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो किसी नारी को, किसी महिला को खुद से सोचने की एबिलिटी दे, खुद से थिंक करने की एबिलिटी दे, और अपने विचार वो लोगों के सामने रख पाए, तो ये मेरे लिए सशक्तिकरण है। और क्या आज वे महिलाएं वो वैसे सोच पा रही हैं या अपने विचार रख पा रही हैं, ये उनके एजुकेशन, उनकी शिक्षा पर आधारित है। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताऊं तो आज तक मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। मेरे कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में मोस्ट ऑफ माय टीचर्स जितने भी हैं वे सभी महिलाएं हैं, और जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने PhD किया है, पोस्ट डॉक्टरल किया है। और उनसे मुझे हमेशा यही सीख मिलती रही है कि आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आपको कर देना चाहिए सही समय पर। सवाल करने से आप ये जान सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। जब तक आप सवाल नहीं करते, तब तक आपके जो राइट्स हैं, जो आपको नहीं दिए गए हैं आज तक, वो शायद आपको मिल सकते हैं। क्योंकि एक छोटे से छोटा सवाल भी आगे जाकर कितना बड़ा मूवमेंट बन जाए वो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर एक छोटी सी लड़की ने ये सवाल नहीं किया होता कि मुझे चांद देखना है, जमीन से नहीं पर चांद पर जाकर, तो शायद हमारे पास आज एक कल्पना चावला नहीं होती। या किसी ने ये ना सोचा हो कि हम भी कोई स्पेसशिप चला सकते हैं, तो हमारे पास आज चंद्रयान नहीं होता, जो विच इज द बिगेस्ट फीमेल लेड सैटेलाइट मिशन दैट्स एवर बीन डन इन इंडिया। क्या खूब कहा अन्विता ने, पढ़ेगी बेटी तो आगे बढ़ेगी बेटी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, जो वो महसूस करती, जो फील करती है उसे जाहिर करे, उसे प्रकट करे। बिल्कुल, तो आते हैं तुषार पर। जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव भी देश में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है, इस बात से हम सभी की सहमति होनी चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण को बताने से पूर्व मैं ये बताना चाहूंगा कि फूल नहीं चिंगारी है वो भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है वो भारत की नारी है, माता पिता का अभिमान है नारी, भारत देश की शान है नारी। तो महिला सशक्तिकरण का यदि हम अर्थ जाने, जहाँ महिला, जहाँ बेटी को परिवार में, समाज में, देश के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों का निर्माता बनने का उसको हक दिया जाए, वह है महिला सशक्तिकरण। और यह कैसे बनेगा, जब हमारा सोच का दायरा, हमारी मानसिकता बड़ी होगी, हम उस पुरानी प्रथा, हम उस पुरानी सती प्रथा, हम पुरानी भ्रूण हत्या से बाहर निकलेंगे, जब हमारे देश की नारी आगे बढ़ेगी। नारी बढ़ेगी देश बढ़ेगा, नारी बढ़ेगी देश बढ़ेगा, और हमारे देश का अभिमान बढ़ेगा। फूल नहीं चिंगारी है वो भारत की नारी है। तो बहुत खूब, आप सभी के विचार हमने जाने, बहुत ही जोरदार और सशक्त विचारों को आपने प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। तो चलिए अब थोड़ा सा गीत संगीत भी होना चाहिए। और अन्विता, आपने शुरू में बताया कि आप कर्नाटक संगीत में ट्रेंड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड है, तो यहाँ हम आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, कुछ तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस विषय से संबंधित एक गाना मुझे ये याद आता है जो है मायरी मायरी, ये पास्ट करके एक फिल्म का गाना है, तो मैं थोड़ा सा पेश करना चाहूँगी उसको। मायरी माई मैं बादल की बिटिया, मायरी माई मैं सावन की नदिया, दो पल का जो बन दो पल ठिठोली, बूंदे सजी है चुनर मेरी चोली, उफन कर चली मैं सागर से मिलने, उफन कर चली मैं सागर से मिलने, ले करके थोड़ी सी तिरछी डगरिया मायरी।
चंद्रिता, आपने हम सभी को ना निशब्द कर दिया। इतना सुंदर आपने गाया, बहुत ही मधुर गाया। धन्यवाद। आपके स्वर में तो हमने इतना मधुर गीत सुना। अब आप एक पसंद का एक गीत सुनना चाहते हैं? मैं भाग मिल्खा भाग पिक्चर से और अंग्रेज गाना जो है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, हाय नहीं तुझा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमी धीमी रंग में मुझको रंग दे, सांधे सांधे रंग में मुझको रंग दे, रंग दे राम, रंग दे राम, रंग दे ना। माला में आ तुझको पिरोलू तुझे पहनू सजन, होंठों में आ सर गऊ सा बोलू तुझे रट लू सजन, पिघल के मिल जा अपने ही रंग में हो। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हमारे साथ हैं। मैं आपके साथ हूं सुजाता रथ। और जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कहते रहते हैं। उनके भाषण सुनते हैं, उनके संबोधन सुनते हैं, तो उनके हर संबोधन में कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्त होता ही है कि बेटियों को आगे किया जाए। तो एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, खास करके आर्यन और तुषार, क्योंकि पुरुष के नजरिए से अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है, आपके पर्सनल अनुभव क्या कहते हैं? जैसा मेरे को एक उदाहरण याद आता है मेरे निजी जीवन से कि मैं दोस्तों में जिस प्रकार समाज में जाता हूँ, आसपास के माहौल में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिखती है कि वह अब भी नारी पे वह सारे दोष डाले जाते हैं जो कि गलती उसमें लड़के की होती है, लेकिन फिर भी नारी पे वह दोष डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वह सोच का दायरा, वह मानसिकता अब भी कहीं ना कहीं परिवार में उत्पन्न हुई पड़ी है। मेरी एक बहन है, लेकिन मैं इस सोच को बदलूंगा।
मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे जब तक पढ़ाऊंगा जब तक वो अपने पैर पे खड़ी ना हो जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक बदलाव का कारण है। और हम महिला सशक्तिकरण की बात कर ही रहे हैं तो ये तभी संभव है जब हमारा सोच का दायरा बदलेगा। जैसे कि तुषार ने कहा कि हम अपने घर में ही देखते हैं, अगर दोष पुरुष का होता है तो भी दोषारोपण जो है वो नारी पर ही किया जाता है। जी सुजाता जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और मैं भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने परिवार में नाना नानी को ये भेदभाव करते हुए देखा है कि वो अपने बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी बेटियों को वो ऐसा मानते हैं कि जब इनकी शादी हो गई तो इनका एक कन्यादान हो गया है और अब हम वहाँ पर ज़्यादा जा नहीं सकते, जमाई के यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ें समय के साथ साथ काफ़ी बदली हैं, क्योंकि मैं जब अपने फादर को देखता हूँ, तो हम लोग दो भाई बहन हैं, तो जब भी मैं अपने फादर को देखता हूँ तो ही इज़ लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो काफ़ी एम्पावर करते हैं दीदी को भी और मुझे भी इक्वली, और कभी ऐसा फील नहीं होता इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा का लेवल बढ़ा है, और पुराने समय में हमारा परिवार एक किसान बेस्ड परिवार था, तो किसान बेस्ड परिवार होने की वजह से वहाँ शिक्षा की कमी थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा के होने से भी ये एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें आ रही हैं। वैसे आंचल और अन्विता, आपके विचार भी हम जानेंगे। सुजाता जी, मैं कुछ बताऊँ, मतलब जैसे आर्यन ने बोला, तुषार ने बोला या भेदभाव, जैसे आर्यन ने बताया कि इसने भेदभाव देखा है अपने परिवार में, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी। जैसे मेरे नाना जी की फैमिली है, मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी वगैरह 5 भाई बहन है उन सबको उसी टाइम से इक्वल रखा, कि मतलब कि हाँ पढ़ना है तो पांचों इक्वल है, कि ये नहीं कि लड़का है तो उसको पढ़ाएंगे, लड़की है तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं। मैंने तो स्टार्टिंग से मम्मी भी बताती है कि इक्वालिटी रही है, कि बाहर चलो वो सिक्योरिटी की बात है तो वो परवाह करते हैं हमारी। और मैंने अपने दादाजी के फैमिली से भी देखा है, तो मेरे दादाजी ने भी हमेशा सपोर्ट किया है कि लड़का है और लड़की है कोई बात नहीं, इक्वल रहेंगे, मतलब इक्वालिटी देखी है। समाज में हर चीज़ ऐसी नहीं है, हर जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे लड़कियों को कम दर्जा दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समान दर्जा देते हैं। जी हाँ, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली में सिंगल चाइल्ड हूँ, एंड मेरी एक ऐसी दोस्त है जो वो भी सिंगल चाइल्ड है और वो बिल्कुल मेरे जैसी ही पढ़ाई कर रही है। तो उसके परिवार में एक ऐसा सवाल आया था कि बड़ों ने पूछा कि जब उनके पेरेंट्स की बेटी हुई थी, मेरी दोस्त पैदा हुई थी, तब उन्होंने पूछा था कि लड़की क्यों, लड़का क्यों नहीं, और तुम्हें लड़का पैदा करने के लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे अगर बोलते हुए भी मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। लेकिन उसके पिता और उसकी माता इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने बताया उन्हें कि हमें लड़के की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक लड़की नहीं कर सकती, मेरी बेटी वो सब हासिल करेगी जो आपके घर में जितने लड़कों ने किया था वो है। औरतों और आदमियों के बीच में जो डिफरेंस जो देखते हैं हम, वो फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप सभी के बात से मैं शत प्रतिशत सहमत हूँ कि शिक्षा जो है वो सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ होता है एक संपूर्ण पीढ़ी को शिक्षित करना। माँ जो है वो प्रथम शिक्षिका होती है। दोस्तों का साथ रहा हमारे साथ, और वो दोस्त आप ही हैं, हमारी युवा शक्ति, और वही इस समाज में, इस देश में परिवर्तन की एक लहर लेकर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कौन सा गीत आप सुनवाना चाहते हैं? मैं कभी अलविदा ना कहना मूवी का एक गाना है मितवा, वो सुनाना चाहूंगा। किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अन कही जो है अन सुनी, वो बात क्या है बता मितवा। धड़कने तुझसे क्या मितवा,
किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है न कहे जो है न सुने वो बात क्या है बता मितवा तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना को छुपा जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा और ये नदी है काहे नहीं इसको तू खुल के बताए जो है न कहे जो है न सुने वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा Air Next.